नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दो लोगों की मौत के बाद भी जारी है जलीकट्टू पर संग्राम। आज तमिलनाडु सरकार बनाएगी कानून, लेकिन मरीन बीच पर जुटे प्रदर्शनकारी, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच। सपा ने अमेठी से गायत्री प्रजापति को उतारा, तो वहीं राजकुमारी अमिता सिंह ने कांग्रेस से ठोका दावा। दिल्ली में बेकाबू बीएमडब्ल्यू ने टैक्सी को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत, कार सवार फरार। पुलिस की लापरवाही से बीएमडब्ल्यू से टकराई एक और कार, टला हादसा। एक फरवरी को पेश होने वाले बजट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में पांच राज्यों में चुनाव से पहले बजट पर रोक लगाने की है मांग। बर्फ की मोटी चादर में लिपटा सिखों का धर्म स्थल हेमकुंड साहिब, राजौरी भी बर्फ के आगोश में। पहाड़ों पर 24 से 27 जनवरी तक बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में बारिश की आशंका। और यमन में विद्रोहियों और सरकार समर्थक बलों के बीच हवाई हमले जारी, अब तक 70 लोगों की मौत, कई जख्मी। पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से जुड़े 52 लड़ाके मारे गए। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।